पिछली बार प्रार्थना अधूरी रह गई थी, इस बार सब कुछ सही होगा। आरती की थाली लो और रौनक की आरती उतारो। हाँ ना, आओ ना। अतू, मैं तो आ सकता हूँ ना? हाँ हाँ आ जाओ। रौनक की आरती उतार के उसे सॉरी बोल दो, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा था ना वो गलत नहीं है, अब तो कोर्ट ने भी प्रूव कर दी ये बात, उसको रिहा कर दिया ना, और सब कुछ तो उसके फेवर में था, सीसीटीवी फुटेज। और मानसी की तो आईसाइट इतनी कमजोर है, उसने गलत बंदे को पकड़ा, मतलब रौनक नहीं था ना। आओ उसकी आरती उतारो। नहीं, ये औरत मेरे पति की आरती नहीं उतारेगी। किन्नरी, वहनी को आरती करने दो, उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जरूर इन्हें किसी ने कुछ भड़काया होगा या मिसलीड किया होगा। वहनी आइए ना, प्लीज आरती उतारिए मेरी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। परिवार के पड़ोसियों से बात की और एक नया सच सामने आया है कि इस परिवार के संस्कार ही गलत हैं। अंकिता और मानसी के पिता मंजे हुए चोर हैं। झूठ है ये सब, ऐसी बकवास से अच्छा है टीवी बंद रहे। शशांक बेटा, अभी अभी तो आए हो ना तुम, वापस कहां जा रहे हो? अंकिता के घर, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग करने। शशांक तुम कहीं नहीं जाओगे। भाई उन्हें मेरी जरूरत है, इस मामले में मैं क्या सोचता हूँ क्या करने वाला हूँ तो सब जानते हैं। इस हादसे में मानसी की कोई गलती नहीं थी, वो अनफॉर्चुनेट थी, और मैं उसका सपोर्ट आखिरी वक्त तक दूंगा, ये मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है। शशांक तुम किस फर्ज की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारी शादी बहुत पहले तोड़ चुकी हूँ, तुम्हारा उसके साथ ना तो कोई रिश्ता है और ना ही तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। भाई तू क्या? शशांक मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें पता है सारी दुनिया उन दोनों लड़कियों पर कितनी थू-थू कर रही है, उन दोनों लड़कियों ने सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ किया, पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। काश मुझे पहले पता होता कि उन दोनों की फितरत क्या है। अंकिता जो तुमसे इतना प्यार करती थी, कुछ पैसों के लिए उस पागल जैसे लड़के के साथ शादी करने तक को तैयार होगी, और तुम्हें छोड़ दिया, और उसकी छोटी बहन मानसी वो तो उससे चार कदम आगे निकली, अपनी बहन के देवर के साथ छोटी और घिनौनी हरकत की उसने। छी, भाई तुझमें और उस मीडिया में ना कुछ फर्क नहीं है। भाई तुझे भी लगता है कि मानसी झूठ बोल रही है? उस रौनक ने मानसी के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, समझा तू? समाज की बात मत कर, समाज 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 हर बार जहर उगलता रहता है, हर तरफ से बोलता रहता है, लेकिन तू, भाई तुझे क्या हो गया? तूने कहा था ना शादी करने के लिए मानसी से, तुझे मानसी पसंद थी ना, अब अचानक से एक हादसे से तू मुकर गई। हाँ शशांक, पर अब वो तेरे लायक नहीं है, तू उसके साथ ना बात करेगा और ना ही कोई रिश्ता रखेगा, समझ रहा है ना तू? भाई लेकिन तू शशांक, कल को अगर कोई हादसा हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। शशांक तू प्लीज मानसी से बात भी नहीं करेगा और उसे मिलेगा नहीं जब तक उसके केस की सुनवाई नहीं हो जाती है। एक, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो आज से ना मैं तेरी आई और ना ही तू मेरा बेटा। मुझे खोकर अगर तू मानसी को चाहता तो ठीक है, जो तेरी मर्जी है वो तू कर। शशांक, उठो उठो वहां से, तुम्हारी जगह इस बेड पे नहीं है, उस काउच पर बैठो।
और अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें इस रूम से धक्के मारकर बाहर निकालती। पर आई कांट। ओ हेलो, लिसन लिसन लिसन, ये क्या करना चाह रही हो तुम? सोने के लिए पूरी रात पड़ी है, बैठो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा रास्ता छोड़ो, बहुत तमाशा हो गया घर में और कोर्ट में भी, और अब मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही। लिसन लिसन, ये एटीट्यूड ना किसी और को देना, मुझे नहीं। आई एम रौनक करमरकर। रियली? मत भूलो कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है। और उस रात जब तुम मानसी से फोन पे बात कर रहे थे ना, कॉन्फ्रेंस पे मैं भी थी, और उस रात की मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। सो यू बेटर बी केयरफुल। तुम्हें सिर्फ बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है, तो ये हस्बैंड की तरह रॉब छाड़ना मुझ पर बंद करो, क्योंकि ना तुम उस लायक हो और ना वो हक है तुम्हें। ओह फॉर यू वुमेन, यू नो व्हाट, दो प्यार की बातें नहीं हो सकती हैं तुमसे। मैं यहाँ तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि अच्छा लिसन, मुझे लगता है तुम कुछ भूल गई हो। हम दोनों का एक मोटिव है और मैं तुम्हें वो याद दिलाना चाहता हूँ। बैठो सर। मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, सो डोंट गिव मी दिस बुलशिट। लेकिन इस मामले में आप मेरी हिस्सेदार हैं और ये हमारा एक कंबाइन मोटिव था, और जब तक ये केस चलेगा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन टू मी। बैठो बैठो यार, प्लीज बैठो। देखो, कल हमें अंकिता को इस घर से निकालना है। कैसे निकालेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। नरेन खुद अंकिता को इस घर से निकालेगा। ब्रो आप इस समय ऑल ओके ना? नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ब्रो लेकिन इतनी रात को बात क्या है? मैंने कहा ना नीचे आओ, सब पता लग जाए। तुम भी साथ में आओ। लगता है इन लोगों को बात पता चल गई। वो शट अप ओके, मुझसे वैसी फालतू की बातें मत करो। यार ऐसे कैसे पता चल सकता है इन लोगों को? मतलब अब कब कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। सबके चेहरे देखो, लगता है उन्हें सब कुछ पता चल गया। और अगर ऐसा कुछ है ना, मैं तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दूंगी, क्योंकि ना मैं उस वक्त तुम्हारे साथ थी और ना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। अतु मैं बोलता हूं, क्या हो रहा है? अब सच सच बताओ, सच सच बताओ। ज्यादा बनो मत रौनक, मैंने कहा ना सच सच बताओ। क्या चाहिए तुम्हें? भाई क्या चाहिए मतलब? अरे लल्लू तेरा बर्थडे है, गिफ्ट क्या चाहिए? सच सच बता क्या चाहिए गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे टू रौनक। सर वो किन्नरी मैम ने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी। किन्नरी ने? ला मुझे दे दो, दे दो। सर इसका पेमेंट? हाँ मैं देता हूँ ना पेमेंट। रामू काका जी, मेरे रूम से चेकबुक ले आओ। जी अच्छा सर। वन
एक्चुअली मेरे छोटे भाई का बर्थडे है ना, तो किनरी उसकी वाइफ है, उसके लिए गिफ्ट्स लिए होंगे। अरे ये तो वाह, लेकिन ये तो रौनक नहीं पहन सकता, ये उसके खुद के लिए होंगे। इसमें क्या है? ओ नाइस, ये भी लड़कियों का ही है। एक्चुअली किनरी का खुद का सामान है मुझे लगता है। अब कोई बात नहीं, आप मेरे को बिल दिखा दो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
बिल 7 चीजों का बना हुआ है और यहाँ पे तो सिर्फ 6 आइटम है। ठीक है आप जाइए, ये सब मैं किन्नरी को दे दूंगा और आपको चेक भिजवा दूंगा। ठीक है सर, ओके। किन्नरी बस यातली कुठली साड़ी पसंद है ती बघ आणि आज संध्याकाळी तीच नेस। लेकिन आतो मुझे साड़ी पसंद नहीं है, मुझे वेस्टर्न अटायर्स ज्यादा पसंद है। किन्नरी मैं जानती हूँ तुम्हारे आई ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, पर याद रखना आज का फंक्शन किसी क्लब या पब में नहीं हो रहा है, यहाँ करमरकर हाउस में हो रहा है और इस खानदान की बहू घर के फंक्शन के लिए साड़ी ही पहनती है। और वैसे भी बेटा शादी के बाद लड़कियां साड़ियों में ही जचती है, या साड़ियां मतली एक साड़ी पसंद कर। ठीक है तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी, आप इन साड़ी में से कोई भी साड़ी पसंद कीजिए, मैं वो ही पहनूंगी आज रात के फंक्शन के लिए। ठीक है, नमाज है ना तुझे ही बक। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और तुम पर बहुत अच्छी दिखेगी। वैसे मैं जानती हूँ कि इन एक्सपेंसिव साड़ियों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। यू डोंट गेट ओवरवेल्म बाय सीइंग ऑल दीज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव थिंग्स, क्योंकि तुमने बचपन से ही अमीरी देखी है, पैसों को देखा है। तुम पैसों के लिए कभी खुद को गिराओगी नहीं, मैं जानती हूँ। पर मैं बघितला है, जब लोगों को अचानक से ढेर सारा पैसा मिलता है तब वो हैंडल नहीं कर पाते इतना सारा पैसा, उनकी नीयत बदल जाती है, लालच पैदा होता है उनके मन में, वो चाहते हैं कि मुझे और चाहिए, ये चाहिए, अजून पाहिजे, सगळं पाहिजे। और फिर वो लोग इंसानियत छोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास, पर तुम वैसे नहीं हो। ये साड़ी शाम के फंक्शन में जरूर पहनना, बहुत अच्छी लगोगी। थैंक यू सो मच अत्तू, मैं पार्टी की तैयारियां करती हूँ। तुम किन्नरी के जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसमें से 10% तमीज भी अगर तुम में आ जाए ना तो मी पण काय वेड्यासारखं बोलती है ना, तुझी आणि किन्नरीची बरोबरी होऊच शकत नाही। किन्नरी एक रईस खानदान से है, वो वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है, वेल कल्चर्ड है, और तुम एक चौल में पली बड़ी हो। तुम्हारा बाप शराबी है। तुम दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है जानती हो तुम? जब किन्नरी और रौनक की शादी तय हुई तब हमने ये देखा कि दोनों फैमिलीज का फाइनेंशियल स्टेटस सिमिलर है। तुम्हारी औकात ही नहीं है इस घर की बहू बनने की, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि नरेन ने तुम्हें देखा, उसे तुमसे प्यार हो गया और तुम इस घर की बहू बन गई। Man, how are you? Good, how are you? Many, many happy returns. Thank you so much. अरे यार पूछ मत, एक नंबर का ड्रामेबाज है। अभी अभी जेल की हवा खाकर बाहर आया है, लेकिन इतना सा भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि दुनिया में मैं ही एक बेशरम हूँ, लेकिन ये तो मुझसे 2 कदम आगे निकल गया। ऐसा पार्टी में घूम रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब I'll speak to you later. काफी लोग आ गए। शिरीष खरं सांगते आज मला इतकं बरं वाटतंय,
सच बताऊं मैंने सोचा ही नहीं था कि इस साल हम रौनक का बर्थडे मना पाएंगे, पर देखो कितनी धूमधाम है यहाँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आणि हे सगळं फक्त सिद्धिविनायकामुळे झालंय। उन्होंने न्याय किया और देखो हमारे घर में खुशियां लौट आई। नाही म्हणजे मी आता जे सांगते ते तुला खरं वाटणार नाही, पण मनापासून सांगते, आय एम ऍक्च्युअली मिसिंग रुशाली। शी शुड हैव बीन हियर, शी शुड हैव बीन सो हैप्पी फॉर रौनक। आई नो। इन फैक्ट आई, मैं आपको बताना भूल गया, कल रात रुशाली का फोन आया था। वहाँ भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है, वो लोग आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। हाँ, और वहाँ जैसे ही केस खत्म होगा वो नेक्स्ट इंडिया आ जाएगी। ग्रेट। और फिर तब तक रौनक का केस भी शायद खत्म हो ही जाएगा, है ना? Exactly. शिरीष, on this note, let's meet the guests. Yeah. Hi. रौनक के फर्स्ट बर्थडे में हमने इतने सारे। आना। Pretty ना? Very nice. In fact, आपकी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत। मैं अपनी वाइफ की नहीं, साड़ी की बात कर रहा हूँ। Oh. मेरी चॉइस है। ओके, साड़ी भी और आपकी वाइफ भी दोनों बहुत अच्छी हैं। प्रिटी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, साड़ी की बात कर रहा हूँ। मैंने जो दी है अच्छी तो लगेगी, तुम भी ठीक लग रही हो। मैंने कहा था ना कि मेरे पास एक प्लान है। वेल, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया। एंड एज पर माय प्लान, नरेन अंकिता को खुद इस घर से निकालेगा। क्या प्लान है? बी पेशेंट। इतनी क्या जल्दी है, बताता हूं ना तुम्हें। तुम जैसा इम्पेशेंट आदमी मुझे पेशेंट सिखाएगा? Don't you think it's funny? वैसे भी तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है कि तुम कोई एक्सक्लूसिव प्लान बनाओ। I'm sure तुमने कोई स्टूपिड सा प्लान बनाया होगा जिसे मुझे इम्प्रूव करना होगा। और हाँ, मुझे अंधेरे में रखने की कोशिश भी मत करना, वरना ऐसी चापी घुमाऊंगी ना। इसमें अभी भी वो रिकॉर्डिंग है, ये भूलना मत। फोन को नीचे रखो प्लीज। प्लीज कीप द फोन डाउन। और इस रिकॉर्डिंग के बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बोलो, बिकॉज अगर किसी ने भी पार्टी में सुन लिया ना तो। एनीवेज, लेट मी टेल यू द प्लान। गॉट इट? या डन। ख्याल से तुम सही कह रही हो, हमें नरेन से बात कर लेनी चाहिए। नहीं आतू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रौनक ऑलरेडी नरेन दादा से बात कर चुका है। चलो। ब्रो, आप प्लीज मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे, प्लीज। रौनक, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम कुछ ज्यादा डिमांड थोड़ी कर रहे हो। नरेन, नरेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम प्लीज अंकिता से बात कर लो। ऑफ कोर्स सत्तू, मैं बोलता हूँ ना आना को। अब आना, मैं एक मिनट आई। हाँ सर। आना, आज तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, बेस्ट चांस यू नो। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, घर वाले भी सब खुश हो जाएंगे, एंड एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। ओके? तो मतलब देख रही हो तुम, मीडिया के लोग आए हुए हैं ना, उनको जाओ और जाके अपना स्टेटमेंट दे दो। कैसा स्टेटमेंट? अरे वही जो तुम कल कोर्ट में देने वाली हो, कि माची से गलती हो गई, उसने किसी और को रौनक समझ लिया और इसलिए इल्जाम लगा दिया। एक बार तुम बोल दोगी ना तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, सब लोग खुश हो जाएंगे, और रौनक पे लोग ऐसे ही गंदी गंदी बातें कर रहे हैं उन सबका मुंह भी बंद हो जाएगा। इसलिए प्लीज जाओ और जाके बोल दो। हाँ, अगर तुम्हारा यही फैसला है ना तो मेरा फैसला भी सुन लो। या तो तुम स्टेटमेंट दोगी या इस घर से निकल जाओगी।
Get out! असल में ये मेरी आना है ही नहीं, मेरी आना के अंदर इतना ईगो कभी था ही नहीं। अगर मैं उसे कुछ करने को बोलता तो जरूर करती। तुम मेरी आना नहीं हो and I hate you. मेरी आना मेरी फैमिली से प्यार करती थी, मुझसे प्यार करती थी, ना तो मुझसे प्यार करती हो ना मेरी फैमिली से। इसलिए प्लीज जस्ट लीव अस अलोन। मेरे घर आ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? अतु मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई डोंट केयर अबाउट एनीबडी। और आज रौनक का बर्थडे, हम लोग एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें एंजॉय करना है, म्यूजिक सुनना है, पार्टी करनी है। आप सब चलिए अंदर, हम एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे। चलिए अतु अंदर चलो, अंदर चलिए। दे देती स्टेटमेंट तो क्या हो जाता तेरा? इस केस में अब कुछ नहीं बचा है, हम हार चुके हैं ये केस। तो अगर आज स्टेटमेंट दे देती तो कम से कम तेरी गृहस्थी तो बच जाती ताई, तेरे और जीजू का रिश्ता तो बच जाता। कैसे मैं अपना रिश्ता बचा लेती मानसी, तुझे दांव पर लगाकर? मैं नहीं बोल सकती झूठ मानसी, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहती थी मानसी। और जहां तक नरेंद्र सर का सवाल है, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मनु अगर मैं ये स्टेटमेंट दे देती तो ये हो जाता कि मैंने केस वापस ले लिया, जो मैं कभी नहीं चाहती थी। और प्लीज मुझे इन बातों पर कोई डिस्कशन नहीं करना है। मैंने पहले भी कहा है कि मुझे रौनक को सजा दिलानी है और मैं दिलाकर रहूंगी। कैसे दिलाएंगे सजा? कैसे दिलाएंगे ताई हम उसको सजा? हमारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। हम इतनी कोशिश कर चुके हैं और लाख कोशिश और कर लें तो भी उसको सजा नहीं मिलेगी। ताई, जिस बहन का कोई भविष्य ही नहीं है उसकी वजह से तू अपनी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रही है? भले ही से हमारे पास कोई सबूत ना हो मानसी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है, चाहे उसे कितनी भी छुपाने की कोशिश करो। अंकिता, I can understand your feelings. मैं समझ सकती हूँ, मगर कोर्ट में ये फिलॉसफी नहीं चलेगी। हमें सबूत पेश करने होंगे एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे हम केस जीत सके। मैं जानती हूँ मैम, हो सकता है कि हम ये केस हार जाएंगे, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम इस कोर्ट में नहीं जीते तो क्या हुआ? हम हायर कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं हार नहीं मानूंगी और ना ही मनु तुझे हार मानने दूंगी। हेलो, हाँ काम चल रहा है, बस मैं सीडी बना रहा हूँ, डोंट वरी। ये पागल अभी तक सोया नहीं? आज तो कमाल हो गया बॉस, अपनी आहाना को हाथ पकड़ के खुद इसने घर से बाहर निकाला। लेकिन isn't it a bit weird कि इतना कुछ होने के बाद भी नो अटैक नो तमाशा? बॉस समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू फाइंड इट आउट। हे ब्रो, क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं, आई मीन इतनी रात को लैपटॉप पे क्या कर रहे हो? गाने सुन रहा था, वो Harry's not a brahmachari. लैपटॉप, इस पे क्या कर रहे हो? स्टॉक मार्केट अपडेट, इतना पेंडिंग काम जो है, फैमिली में सब चल रहा था और काम पे ध्यान ही नहीं गया, सो मच ऑफ बैकलॉग। अब तुम फ्री हो जाओगे ना, मेरी हेल्प करना प्लीज। कोर्स ब्रो, एक बार मैं आ जाऊंगा, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। छाधारी, आई लव दिस सॉन्ग। ब्रो, आर यू फाइन? या क्यों, क्या हुआ? नहीं, आई मीन आहना वहीनी घर छोड़ के चली गई। वो छोड़ के नहीं गई है, मैंने उसको निकाला है, बिकॉज़ शी वाज एट फॉल्ट, उसने गलत किया था। वो छोड़ के नहीं गई है, मैंने निकाला, दो अलग अलग चीजें। बिकॉज़ आई हैव एन अपर हैंड, आई थ्रू हर आउट। राइट, यू नो यू आर नरेन करमरकर द जीनियस, राइट? एनीवेज ब्रो, चलता हूं मैं। ओके, गुड नाइट, और याद रखना सुबह जल्दी उठना है, कोर्ट की लास्ट डेट है। श्योर मैन, सी इन द मॉर्निंग। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं अपने ससुर जी से मिलने आया हूं। आपने लोगों का उधार लिया हुआ है ना, वापस कर दीजिए, किसी का हिस्सा मारना अच्छा नहीं होता।
और पैसे चाहिए तो बताना, मैं और भी दे दूंगा। नरेन सर, लेकिन ये सब, मैंने कहा ना मुझे आना से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है और पर्सनल बात करनी है, कुछ सीक्रेट है। अंदर बात करें, आइए आइए। क्या बोल रहे थे? सोच लीजिए, एक स्टेटमेंट और लाखों का फायदा, इतना अच्छा प्रॉफिट तो कोई बिजनेस नहीं देता ना। बोलना कहा है, बोलना कहा है? बस इतना ही बोलना है कि रौनक बेगुना है और मानसी ने गलत इल्जाम लगाया। बस बस इतना ही कहना है ना? हाँ। अरे इतने पैसों के लिए हम अपने खिलाफ गवाही दे दे, अपने खिलाफ बात करते है कितने दिन लीजिए। पापा भी कैसा करते? अरे अंकिता, हमरे को मत सिखाई सब, कोर्ट कचहरे का चक्कर हमें समझ में नहीं आता है, आज नहीं तो कल वैसे भी हार जाएंगे। पैसा देखा है कितना इसके पास, बात करते है। हम कहते हैं तू भी इतना पैसा ले ले, मानसी की जिंदगी सुधार दे, आने वाली इज्जत के बदले बहुत पैसा ही, हम चलते हैं। जाया दे, जाया दे रे। बाबा अगर आपको ये सब करना ही था तो कम से कम हमारे पीठ पीछे करते, हम इस गलत फहमी में तो रहते कि आप हमारे लिए बदल रहे हैं। उस दिन एक पल के लिए मुझे लगा कि आप सच में बदल गए हैं, हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं इतना गलत थी, आप कभी नहीं बदल सकते, आपके लिए हमेशा पैसों की अहमियत ज्यादा रहेगी और रिश्तों की कुछ भी नहीं रहेगी। जाएगा बाबा, एक सेकेंड, आपको जाना है तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात सुनकर जाइए। आज तक आपने चोरी की, शराब पीकर घर आते थे, पता नहीं क्या क्या गलत काम किया, लेकिन हमेशा आपको माफ किया है हम लोगों, लेकिन आज आज आपने आपकी बेटी की इज्जत का सौदा किया, जिसके लिए आपको कभी कोई माफ नहीं कर सकता, समझे आप? दिल तोड़ दिया आज आपने, दिल तोड़ दिया। एक मिनट, मुझे कुछ पूछना है। पूछिए। ये बाइज्जत बरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई भी इंसान इज फ्री टू गो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है बाहर जाके। I'm so sorry, my lord. Mr. Naren की दिमागी हालत ठीक नहीं है. I'll prove this to the court. It's okay. इन्हें बोलने दीजिए. आप सही सोच रहे हैं. बाइज्जत बरी होने का मतलब है पूरी आजादी. तो ठीक है, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं कोर्ट से कुछ कहना चाहूंगा, क्या मुझे इजाजत है? कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। अब क्या बोलने जा रहे तू? द केस इज इन आवर फेवर, हम जीतने जा रहे केस, इसमें तुझे क्या बोलना है तू मुझे बता, मैं बताऊंगा कोर्ट में। मिस्टर शेखर, लेट हिम स्पीक, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। थैंक यू। लॉर्ड शेखर, आई मीन रौनक के लॉयर, वो ये बात प्रूव कर चुके हैं कि मैं पागल हूं, मेरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, इनफैक्ट मेरे खुद के घर वाले। ऑफिस वाले जो लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, वो सब यही बोलते हैं, मेरे सामने या कभी कभी मेरी एब्सेंस में। और मेरा भी यही मानना है कि मैं पागल हूं। लेकिन मैं एक पागल जीनियस हूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।